मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बस देखता हूँ सब। हूँ आई नो मेरे नाम जब तक यूज करके पैसे कमा रहे हैं, मसे करने दो। वैसे एक बात है, यूट्यूबर्स की अगर आप देखोगे बॉडी, सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स यही हैं, सबसे बड़े जजेस यही हैं। खुद अपना पूरे दिन घी की रोटी और दाल चावल खाते हैं, हट्टे कट्टे तगड़े मोटे, और सबको जज इनको इन्हीं को करना है, क्रिटिसाइज इन्हीं को करना है। आज तक कभी स्टेज पर कम्पीट नहीं किया। आप लोग जानते हो मैं किसके नाम बोल रहा हूँ। जो 3 टॉप यूट्यूबर हैं उनकी खुद की बॉडी देखो, और वो दूसरे को जज करते हैं। बट ऐसे ही वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, राइट? बिकॉज आई नो दे आर बिलो मी। जो लोग हेट कर रहे हैं उन्होंने आज तक कभी स्टेज पे नहीं गए, आज तक कभी कोई शो नहीं जीता, कभी उन्होंने घंटा कुछ उखाड़ा नहीं। घर में बैठ के, अपने ऑटो में बैठ के, अपनी शॉप पे बैठ के कॉमेंट करना बहुत आसान होता है। और इन यूट्यूबर्स ने आज तक एक प्रो शो तो जीता नहीं है, लोकल शो। जिम भी नहीं जाते, अपनी टोन लेके यूट्यूब कॉन्टेंट बनाते हैं, कहीं दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्टेंट बना के। ये सारे जो यूट्यूबर हैं ये सब नीचे हैं। अगर आप इनका लाइफस्टाइल देख लो, इनका घर देख लो, इनका खाने पीने का तरीका देख लो, ये 5-5 हज़ार रुपये में अपनी वीडियो बेचते हैं। डिवाइन न्यूट्रिशन उनको 5-10 हज़ार रुपये देता है महीने के, और उसमें लोग कंटेंट बनाते हैं छपरियों के लिए। सो जो उनके चैनल देखते हैं वो उससे भी बड़े छपरी हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोग डायरेक्ट लेंस को देखेंगे। और बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर की भी फैमिली पैक है, वो तो मुझे मिला भी था, पसीने भी छूट रहे थे उसके, उसको भूख इतनी लग रही थी 2 घंटे के इंटरव्यू में कि उसका ब्लड शुगर लो हो गया, तभी तो पसीने छूट गए। अगर आप इंटरव्यू देखोगे मेरा उसके साथ, 2 घंटे में आधे घंटे का इंटरव्यू डाला, 1.5 घंटे का इंटरव्यू काट दिया, क्योंकि मैंने उसमें सब अच्छा बोला था, क्योंकि उसके पसीने छूट रहे थे लो ब्लड शुगर की वजह से। और जो वो तीसरा है डिवाइन का, उसने तो आज तक जिम नहीं गया होगा वो, बट हाँ बाकी लोगों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बनाने दो। हम लोग एजुकेटेड लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ये छपरियों के लिए बनाते हैं। एंड यू डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय दीज यूट्यूबर्स एंड दीज यूजलेस पीपल्स, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो उन्होंने रिसीव नहीं किया। सो कीप वर्किंग हार्ड अपने गोल्स पे, यू नो, वर्क हार्ड, स्टे रिलेंटलेस एंड इग्नोर द नेसेयर्स, इग्नोर द हेटर्स। कुछ लोग हैं जिनको नंबर से फर्क पड़ता है, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। मैं खुश हूँ अपने सिलेक्टेड फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स के साथ। आज कोई भी लोडू बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर या ऑल ओवर ओलंपिक पर रिकॉर्ड नहीं करेगा, नहीं करेंगे, दे ऑलवेज विल, दे आर साइलेंट स्टॉकर्स। मेरी प्रोफाइल में पूरे दिन लगे रहते हैं ढूंढने के लिए, ढूंढने दो। They are focused on me and I am focused on winning. That's the difference. तू भी छपरी है मेरे भाई, तू भी इसी यहीं से निकला है, ठीक है, इसी बैकग्राउंड से, इसी इंडिया से, इसी हमें इतना है, वो करने की कोशिश मत दे। हम स्टेज पे देख लेंगे कि मैं लास्ट कॉल आउट में आता हूँ या फर्स्ट कॉल आउट में आता हूँ, या तेरे साथ खड़ा होता हूँ या तू सेकंड कॉल आउट में आता हूँ। क्या फर्क पड़ता है तेरे प्रो कार्ड से? तू ओलंपिया में गोल्ड जीत ले, फिर क्या उखाड़ लेगा? नहीं, तू ओलंपिया में गोल्ड जीत के हमें क्या फर्क पड़ता है? तेरे को तू कहता जी हम देश प्राउड है, और तुमने देश के लिए क्या किया? What have you done for the देश? कुछ किया तुमने आगे? तुमने कोई फ्री सेमिनार किया हो, या 2 बच्चे स्पॉन्सर किए हो, या कुछ किया हो आके? साले देश मैम फर्स्ट इंडियन ओलंपियन ये वो जो भी है, ऐसा नहीं होता। हमने सबसे सबसे पहली बात है, जब इसने बात, एंगर नहीं है बे, जोश है। मुझे बताओ इसने किस हक से मुझे इडियट बोला? मैंने इसको कभी इसको बुरा भला बोला, ठीक है ना? मैंने कभी इसकी बात भी नहीं की, मैंने सिर्फ फिजिकल, तुम वहां बैठ के ही इज एन इडियट, तू साले मुंह पे बोल के देख, यहाँ पे आके आजा दिल्ली आना, कभी मुंह पे बोल के देखना साला इडियट का। मैंने शुरू किया हम नहीं मानते, तुम्हें मानना मानो, नहीं मानते यार, मानो मानो जो हम नहीं मानते। नंबर 1, मेरे हमारे लिए, फॉर मी एंड फॉर माय कोच,
वो हमारा कंपटीशन भी नहीं है भाई, हमारा कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं हमारा यार, हमारा हम कंपीट करेंगे, हमारे कंपैरिजन हम लेके चलते हैं अपने कंपटीशन बिलाल अली को, हम लेके चलते हैं ब्रेंडन साइकम डिक्सन को, हम लेके चलते हैं लकी लिब्रा को, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उन्हें कंपीट करेंगे ठीक है। जिदन वीरे वैंकूवर प्रो मालक रखे सुख तू ही खेडना वा, ते मालक रखे सुख असीं भी खेडांगे, फिर दुद्ध दा दुद्ध पानी दा पानी करांगे। बॉम्बे वाला प्रो शो भी ब्रो यस असीं कर रहे हैं, बॉम्बे वाला प्रो शो उत्थे भी असीं देख लांगे तैनूं जो भी चीजां हैगियां, पर असीं नहीं है बोवन बोवन करना, हमने नहीं करना बोवन बोवन। सबसे पहली बात यह है भाई, नाम लेके बोल रहा हूँ, तुमने मेरा भी नाम लिया था, एक मिनट भाई मैं बोलना हूँ, जो तूने यूट्यूबर्स के बारे में बोला, जो तूने बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर के बारे में बोला, जो तूने बॉडी बिल्डिंग विकी मलिक के चैनल के बारे में बोला, या मनप्रीत जी के चैनल के बारे में बोला, हाँ वो सब नॉन बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड से है भाई मेरे, फिर भी शुक्र मना उन बंदों की वजह से तू इंडिया में देखा जाता है हर सुबह हर एक बंदे की स्क्रीन पे। वो बॉडी बिल्डिंग नहीं करते फिर भी वो बंदे मेहनत करते हैं तुझे लोग आम लोगों तक, भाई एक मिनट बात थोड़ी करो, फिर भी वो बंदे मेहनत करते हैं कि आम बंदों की स्क्रीन तक तू आए, तू क्या कर रहा है लाइफ में वो देखे। गुरसेवक वाज थोड़ी कर यार, सो नहीं कंटिन्यू कर ला, मैं सुन रहा यार। सो उन बंदों की वजह से हम जैसे इंक्लूडिंग मी जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स नॉन बॉडी बिल्डर्स, वो बंदे 6-6 घंटे की एडिटिंग लगा के ना हम लोगों को कंटिन्यूसली भाई देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसने क्या किया, हर एक एथलीट को क्लोजली ऑब्जर्व करके वो तुम्हारा वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे अपना कीमती टाइम निकाल के। अगर उसका उन्हें 10,000 मिलता है ना मेरे भाई, तो तुझे महीने का 5-10,000 तुझे और मुझे और सबको एथलीट्स को कम से कम उन्हें देना चाहिए, अगर हम सपोर्ट नहीं करते उनको, क्योंकि भाई उन्होंने भी घर चलाना है। वो तुम्हारी न्यूज दिखा के, तू मत कर नहीं दिखाते वो न्यूज, आज वो तेरी न्यूज दिखाने बंद कर देना, तू अपना यूट्यूब चला ले, या अपना तेरा चलता है ना यूट्यूब चलता है, तेरा इंस्टाग्राम चलता है, उससे करके देख ले तू कितना कर पा रहा है ठीक है। इसके बाद उनको मत बोल, वो बंदे बहुत मेहनत करते हैं, उन बंदों ने अपना काम छोड़ के, हर एक बंदा इंडिया में बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, लेकिन जो करते हैं उनको दिखाने वाले वो यूट्यूबर हैं, बी थैंक्सफुल टू देम, वो बंदे बहुत, बिग शाउट आउट टू ऑल द फिटनेस यूट्यूबर, टू ऑल द फिटनेस यूट्यूबर न्यूज चैनल जिन्होंने हम सबको इंक्लूडिंग मी एमेच्योर एथलीट्स, चाहे वो विकी मलिक का चैनल हो, चाहे वो मनप्रीत भाई का चैनल हो, चाहे वो असीम का चैनल हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा जो फिटनेस यूट्यूबर चैनल है, वो सबका मैं तो हाथ जोड़ के थैंक यू करता हूँ भाई। आप लोगों की वजह से हम आम जो इंसानों की मोबाइल पे स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो हमें जान पा रहे हैं, उसको भी जान पा रहे हैं। दूसरी बात भाई रही बात मेरे कोच, और मैं अपने बारे में बाद में बोलूंगा, माई कोच इज लाइक माई फादर फिगर ठीक है। बाप के बाद अगर किसी बंदे की इज्जत करते हैं हम, तो हम अपने कोच की करते हैं। तूने भाई जो भी वर्ड यूज किया है, यू शुड से सॉरी, अगर तुझे सॉरी इस बात की कहनी चाहिए, ही इज द सीनियर मोस्ट इन दिस फिटनेस इंडस्ट्री, इंडिया में सीनियर मोस्ट है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है मेरे भाई, तू माफ कर, तेरे से फिर भी इज्जत से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं तुझे ये लास्ट में आके देखता रहेगा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा, वो तो हम स्टेज पे देख लेंगे कि मैं लास्ट कॉल आउट में आता हूँ या फर्स्ट कॉल आउट में आता हूँ, या तेरे साथ खड़ा होता हूँ या तू सेकंड कॉल आउट में आता है, वो सारी चीजें स्टेज की है। वो डेफिनेटली वो तूने सही चीजें बोली है कि वो एज अ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, वो तो चलो ठीक है, तू मुझे क्रिटिसाइज कर, ओके मैं इस क्रिटिसिज्म को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ ठीक है भाई। तू ओलंपियन है, तूने इतने प्रो शोज खेले हैं, जीते हैं, उसका तुझे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से तुझे मुझे बोल रहा है, मैंने वो ले लिया, बट जो ये बाकी छपरी बपरी ये चीजें बोलता है ना, तू कैनेडा है भाई, तेरे कोई वो कक्केवाल नहीं है तेरे की, उन्होंने कहते हैं कौन से होते हैं ब्लॉन्ड हेयर, तेरे ब्लॉन्ड हेयर छपरी, तू भी छपरी है मेरे भाई, तू भी इसी यहीं से निकला है ठीक है, इसी बैकग्राउंड से, इसी इंडिया से, इसी हमें इतना ना वो करने की कोशिश मत दिखा मेरे भाई कि तुम लोग थर्ड क्लास हो, तुम्हें नहीं पता ये छपरी वो छपरी, स्टॉप इट ब्रो, स्टॉप इट, वी रिस्पेक्ट यू, जो तुमने किया है चलो देश के लिए किया, अपने लिए किया, हाँ तुम्हारी वजह से लोग देखते हैं, हम इसे नहीं मना करते, बाहर के जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, मैं मेंशन नहीं किया, तुम ओवरऑल ओवरसीज जो तुम कम्पीट करते हो, उन सब चीज वजह की
वजह से इंडिया की एक अच्छी इमेज बनी है, लेकिन इंडिया में जो शो होते हैं इतने तगड़े तगड़े, तुझे भी भाई पता है, सबको पता है, जो एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग का लेवल इंडिया में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। जो एमेच्योर इंडिया जो जो यहाँ पे शोज होते हैं, जो एथलीट यहाँ के शो जीतते हैं ना मेरे भाई, वो आम इंसान नहीं है। यू आर प्रिविलेज्ड कि आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पॉन्सर्स हैं। आप इज्जत करो हमारे देश के लोगों की, अपने फेलो एथलीट्स की, अपने सीनियर्स की, अपने यूट्यूबर्स की, ताकि आपको लोग अभी मतलब आपको मतलब हमारे हमारे भी लोग थोड़े से बेवकूफ हैं कि वो मतलब ब्रो दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस, दिस इज एरोगेंस। ठीक है, अगर मैं ये जीत के बोल दूं कि हाँ वी वॉन्ट ओवरऑल मैन, हमने ओवरऑल जीता है, तो उसको तो मैं एरोगेंट बोलूं, ये तो सच है ना। लेकिन मैं इसके लिए मैंने सिद्धांत को बीट किया। आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिद्धांत इज माई फेलो एथलीट, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने उसने उस, उसका आठवां अटेम्प्ट था और उसने बहुत मेहनत की, हमने दो तीन शो हमने इकट्ठे खेले हैं। ठीक है, उसके बाद एज अ वेरी गुड सीनियर कोच, मैं सीनियर कोच कंसिडर करता हूँ सिद्धांत को। ठीक है, वो चीजें हमारी स्टेज तक हैं, पर्सनली हमारी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो वैसे वैसे कह दो ना, गालियां दूं यार किसी को कि ना मैं पैसे चकता दूं ते मैं तो यू आर नीडियर एंड ये वो चीजें भाई बस कर, बहुत है। मैं और अब ना हैरी भाई भी जवाब नहीं देंगे इन सब चीजों का, हम इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। स्पेशली मैं कभी नहीं बोलता इस चीजों की वजह, इन सब गार्बेज में हम नहीं घुसते भाई, हमें अपनी गेम से मतलब है। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। सो यू बेटर हमारे से भी तो दूर रहे, हम इन चीजों में नहीं घुसना चाहते। चाहे हम फिफ्थ कॉल आउट में दिखें, चाहे हम पीछे से यहाँ मर्जी दिखें, मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत तुम भी करो। स्टेज पे देख लेंगे कौन कौन से कॉल आउट में आता है, एंड यस वहां पे फिर कोई नहीं, टेंशन ना ले, अपना बहुत बढ़िया। नहीं नहीं टेंशन ना ले ब्रो, हाँ टेंशन ना ले ब्रो, ठीक है। नहीं मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, बड़ी सिंपल सी। ठीक है, मैंने 2 घंटे की इंटरव्यू दी, ठीक है, मनप्रीत पाजी को। ठीक है, उसमें मनप्रीत पाजी ने क्या किया, उसमें से क्लिप्स निकाल के डाल दिए टीजर। ठीक है, उसमें से एक क्लिप मनप्रीत पाजी ने निकाल के डाल दिया, जो चलो मतलब कि इन हाइंडसाइट वो नहीं डालना चाहिए था, बट एनीवे को इनकम्प्लीट था। ठीक है, वो क्लिप निकाल के डाल दिया मनप्रीत पाजी ने उसमें, और जिसमें मैंने ये बोला कि देखो मेरे से सवाल पूछा था मनप्रीत पाजी ने कि क्या आपको लगता है कि अली वर्सेस भुवन की सेटिंग थी। ठीक है, ये सवाल था मनप्रीत का। मनप्रीत हुज्जा से आप पूछ सकते हो, इंटरव्यू भी बाहर आ जाएगी, वो पूरा सेगमेंट मैं पोस्ट करा दूंगा कल, मैं पोस्ट कराता हूँ वो सेगमेंट जिसमें वो बात थी। ठीक है, तो उसमें मनप्रीत ने पूछा कि आपको लगता है कोई सेटिंग थी, भुवन को जान के जिताया गया। मैं कहा देखो मेरे हिसाब से, मैं कहा सारे पहलू देख लेते हैं, मैं कहा मान लो पैसे की सेटिंग ही है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ अगर मैं कहा मुझे नहीं लगता कि $10,000 भुवन ने अपनी सेटिंग सिक्योर की होगी। मुझे लगता है $10,000 के लिए शेरू उन्होंने मतलब के एक उसको विन दे दी होगी। ठीक है, मैं कहा बाकी अगर मैं कहा वो $30,000-$35,000 देता है तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। ठीक है, ये इंटरव्यू थी और ये निकाल के टीजर डाल दिया, तो मैंने उसको नहीं बोला कि तू चूतिया। मैंने कहा अगर वो पैसे देकर, ठीक है, पैसे देकर वो जीत रहा है तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड आई यूज। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत अंतर है, किसी को ना अगर कोई भी आदमी पैसे देकर जीत रहा है, हेरा फेरी करके चीटिंग करके जीत रहा है, तो उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ठीक है, एंड उसको आप ट्विस्ट करके आप अपनी लाइफ में आके बोल रहे हो ही इज एन इडियट। ठीक है भाई, किसको तुमने हक, तुमको किसने हक दिया बकवास करने के लिए? तुम्हारे बारे में कभी मैंने कोई बात नहीं की, कहीं मैंने तुम्हारा नाम कभी पहले नहीं लिया। बताओ कहां मैंने तुम्हारा नाम लिया, कहीं बात हुई? सिर्फ बात इतनी हुई थी कि हाँ जी भुवन नहीं डिजर्व करता फर्स्ट आने के लिए, अली का फर्स्ट आना चाहिए था। तो इसमें मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ, लाखों दो लोग बोल रहे हैं, वर्ल्ड ओवर दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं भाई भुवन की फर्स्ट नहीं बनती थी, तो किस बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो आप? गिल्टी गिल्टी शक्ल तो आपकी भी थी वहां पे स्टेज पे, जब ये जीता है तो इसको भी मैं लेके ना वो होती ना जो जेन्युइन एक्साइटमेंट वो नहीं थी, गिल्ट था इसके अंदर, मुंह पे दिख रहा है साफ। अब वो भी बोल दो कि वो भी मैंने किया था, ऐसे नहीं होता बेटा, यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं होता। बाकी अब भुवन की बात होगी खत्म, वी डोंट केयर। और आप अपनी अपनी गल करिए भाजी, वैसे मैं गल करता ऐदा जित के भाजी नींद किदा आउंदी रात नूं, मतलब बंदा यार किदा सोच के, पता नहीं भाजी इन्हें नहीं आउंदी है, इन्हें आउंदी मतलब इन्हें नहीं आउंदी होनी है, कैसे कैसे प्राउड फील कर सकते हैं ऐसी विक्ट्री पे जहां पे आपको साफ आपको पता है उन चीजों का, पता नहीं प्राउड नहीं यार ब्रो कम ऑन।
चलो भाई आप अपनी गल करिए, आई डोंट नो यार, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, फक इट।